तो यार गाइस कैसे हो सब लोग। यार आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पबजी पीसी लाइट के बारे में। और आपने यार देखा होगा कुछ दिनों में यार बहुत सारे रूमर्स स्प्रेड हो रहे हैं कि 14 फरवरी को पबजी पीसी लाइट ऑफिशियली ग्लोबल लॉन्च होने वाला है और इंडिया वगैरह में आप लोग गेम खेल सकते हो विदाउट यूजिंग वीपीएन। तो इस न्यूज़ को हम लोग कंफर्म करेंगे एंड कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि पबजी लाइट में जो है चल रही है उसके बारे में आज के इस वाले वीडियो में बात करेंगे। तो चलो यार एक बार इस वाले वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार अभी पहले तो यार बात करते हैं कि यार पबजी पीसी लाइट जो है वो उसमें 14 फरवरी को होने क्या वाला है एग्जैक्टली। तो काफ़ी बंदों को पता नहीं होगा बट जो गेम का बीटा फेज़ है वो यहाँ पे एक्सपैंड हो रहा है 14 फरवरी को, जो कि आप लोग को आर्टिकल से कंफर्म हो जाएगा जो कि पबजी पीसी लाइट की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेशली लिखा हुआ है कि वी विल बी एक्सपैंडिंग द बीटा टेस्टिंग इन इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस एंड सिंगापुर ऑन 14 फरवरी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो इसका अपडेट होगा ये 13 फरवरी को आएगा एंड आप लोग 14 फरवरी से यहाँ पे इन चारों कंट्रीज़ में से कोई भी एक कंट्री का वीपीएन लगा के खेल सकते हो पबजी पीसी लाइट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अभी इन चारों कंट्रीज़ में सर्वर आ जाएंगे पबजी पीसी लाइट के। पबजी पीसी लाइट का एक ही सर्वर होगा जो कि SEA सर्वर होता है, SEA रीजन का एक सर्वर होता है साउथ ईस्ट एशिया करके। तो इस सर्वर में यहाँ पे इन कंट्रीज़ का जो ट्रैफिक होगा ये एक्सेप्ट किया जाएगा, मतलब एक ही सर्वर पे इन पांचों कंट्रीज़ का जो ट्रैफिक होगा मतलब पांचों कंट्रीज़ के जितने भी प्लेयर्स होंगे वो खेल पाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया एंड सिंगापुर हो गया, ये पांचों कंट्रीज़ का जो भी प्लेयर बेस होगा वो एक SEA सर्वर पर खेल सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इन पांचों कंट्रीज़ में अलग अलग सर्वर आ गए या फिर आप लोग को अलग अलग सर्वर पे पिंग मिलेगी। पिंग आपको उतनी मिलेगी, बस आप लोग अलग अलग रीजन के वीपीएन लगा के खेल सकते हो इफ़ यू आर प्लेइंग फ्रॉम इंडिया और मे बी एनी अदर कंट्री विच आर नॉट लिस्टेड हियर। तो उसके बाद में भी बात करते हैं कि यार जो पबजी पीसी लाइट में जो चीटर्स हैं, मतलब आप लोगों ने देखा होगा गेम लॉन्च होने के बाद में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीटर्स आप लोगों को देखने मिल रहे हैं। कुछ कुछ बंदे तो यार मतलब एम बॉट वगैरह लगा के भी खेलते हैं। तो अभी यहाँ पे इन लोगों ने अनाउंस करा है कि कुछ यहाँ पे चीटर्स जो है वो यहाँ पे बैन हो चुके हैं एंड अराउंड 3,083 चीटर्स हैव बीन बैन। तो आप लोगों को अगर देखना है कि कौन कौन बैन हुआ है और क्या इन लोग को पनिशमेंट मिलेगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो द लिस्टेड प्लेयर्स कैन डेट आर बैन आर कैन बी चेक अबाउ, मतलब ये वाली जो लिंक है इससे आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो कि द प्लेयर नेम डैट इज़ बैंड ऑफेंडर यूजेस इन द नेम बाय क्लोजिंग लास्ट 3 लेटर्स, मतलब लास्ट 3 लेटर्स उसके मिलेंगे नहीं आपको। और आवर टीम विल कंटिन्यू टू चेक द प्रोग्राम्स यूज कंटिन्यूसली एंड पनिश द हाइएस्ट ऑफेंडर, देयरफॉर प्लीज डू नॉट यूज़ दिस प्रोग्राम्स। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि अगर कोई भी अगर आप चीट यूज़ करते हो पबजी पीसी लाइट खेलने के लिए तो आप नहीं करें क्योंकि आपका अकाउंट इससे बैन हो सकता है। और सिर्फ अकाउंट बैन नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिस्टेड नहीं है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी देखो जैसे कि आप जानते हो पबजी पीसी लाइट एक फ्री गेम है, ठीक है, और अगर यहाँ पे आप चीट करके बैन भी हो जाता है तो लोग क्या करेंगे कि अलग अकाउंट बना के खेलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अकाउंट बैन नहीं होता, आपका हार्डवेयर जो होता है हार्डवेयर आईडी बैन होता है। फॉर एग्जांपल आप एक पीसी से खेल रहे हो, ठीक है, या फिर एक इंटरनेट कनेक्शन से खेल रहे हो जिसका आईपी एड्रेस होता है स्पेसिफिक, तो वो आईपी बैन पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंटरनेट से खेल रहे हो एंड उस पर अगर आईपी बैन पड़ गया तो आप इन द फ्यूचर कोई भी अकाउंट लेके उस वाले इंटरनेट कनेक्शन से नहीं खेल पाएंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यार अगर किसी कोई भी चीट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो यू शुड नॉट यूज़ द चीट्स क्योंकि इससे आपका हार्डवेयर आईडी बैन हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक और नया इवेंट इन्होंने डाला हुआ था जिससे काफ़ी मिसलीड बंदे हो गए, क्योंकि इस वाले इवेंट में क्या था कि यहाँ पे जो बंदे हैं जो 30 जनवरी से 13 फरवरी तक गेम खेलते हैं, रोज जो भी गेम खेलते हैं उनको यार यहाँ पे ये स्किन्स मिलेंगी, कपड़े मिलेंगे, ठीक है, रोज़ 60 मिनट खेलना होता है तो यहाँ पे ये कपड़े मिलेंगे। एंड टाइम है फरवरी 15 से लेके फरवरी 18 तक रखा हुआ है। तो अगर आप लोग ये मिशन कंप्लीट करते हैं तो आप लोग को ये यहाँ पे आइटम्स मिलेंगे। तो लोगों ने क्या समझ लिया कि इस डेट के बाद में यार पबजी पीसी लाइट ग्लोबली लॉन्च होगा, बट ऐसा नहीं है, अभी बीटा टेस्ट कंटिन्यू होगी गेम की एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम तक बीटा टेस्ट चलेगी बिकॉज़ गेम इज़ करेंटली वेरी अनस्टेबल। अगर आपने देखा होगा गेम काफ़ी क्रैश होता है, काफ़ी टाइम पे ग्राफिक एरर आता है एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है गेम में। अभी तक ADS होल्ड वगैरह की भी फंक्शनलिटी इन्होंने दे नहीं रखी है। तो धीरे धीरे यार इसमें अपडेट्स आएंगे एंड एक ना एक दिन हम लोगों को यहाँ पे जो गेम है पब्लिक रिलीज होते हुए मिल जाएगा,
मेरे ख्याल से गेम जो है 1 से 2 मंथ्स के अंदर यहाँ पे पब्लिकली आपको रिलीज़ होते हुए मिल जाएगा, तो तब तक के लिए आप लोग बीटा टेस्ट खेल ही सकते हैं वीपीएन वगैरह लगा के। एंड आई होप तुम लोग को यार ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल होगी वीडियो ये वाली आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग को वाली वीडियो पसंद आई तो एक बार इस वाली वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वाली वीडियो को शेयर करिए ताकि सारे बंदों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को ताकि आप लोग को ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो मैं मिलूंगा तुम लोग से मेरी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए गाइस एज ऑलवेज बाय बाय एंड टेक केयर।